सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम हुआ है। जहां कर्नाटक की जनता ने बहुमत किसी को नहीं दिया, जब कांग्रेस पार्टी और जेडीएस मिलकर के सरकार बनाने जा रहे थे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया सरकार बनाने के लिए। पूर्व में भी जहाँ कहीं भी सरकारें इधर बनी हैं, सबसे बड़े दल को मौका नहीं दिया उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न जाने कहाँ के दबाव की वजह से उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला, जहाँ गिनती के विधायक उनके पास नहीं हैं। विधायक बस से जाना चाहते थे, रास्ते में बसें बदली तब जाकर के किसी स्थान पे छिप पाए हैं। हवाई जहाज से जाना चाहते थे, हवाई जहाज को उड़ने की परमिशन नहीं दी। ये लोकतंत्र में दिन देखने को मिल रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र की हत्या होने से बच गई। चार बजे मैं समझता हूँ जनता ने जिनको चुन करके भेजा है सदन में, वो बहुमत किसके साथ है इसका फैसला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर क्या स्थिति है? जहाँ तक और दलों की बात है, मध्य प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी पूर्व में भी लड़ी है। यहाँ पर कुछ जगह अच्छा प्रदर्शन हुआ, कुछ जगह नहीं हो पाया है। इस बार हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा दल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिखाई दे। भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन करेगा क्या बहुजन समाज पार्टी? जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है, इसीलिए आपको ये जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने भी जब तय किया तो उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र चुन करके वहाँ से लोकसभा में गए और सरकार बनी। कितने बड़ी संख्या में लोकसभा में सांसद जीते, अगर उन सांसदों को हटा दो तो शायद भाजपा की बहुमत की सरकार न बनती। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता तो तैयार है रोकने के लिए। हम समझते हैं मध्य प्रदेश की भी जनता तैयार होगी, क्योंकि 4 साल की सरकार के बजट 5, लेकिन किसान निराश हुआ है, गरीब के साथ धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तो सभी जन धन अकाउंट बंद होने का फैसला ले चुकी है बैंकें। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में जन धन अकाउंट में कितना पैसा गरीबों को पहुंचा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में करोड़ों जन धन के अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में भी गरीबों के जन धन के सपना ये दिखाया था कि पैसा पहुंचेगा उनके पास, वो अकाउंट भी बंद पड़े होंगे। मध्य प्रदेश में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे सपा के? मैं समझता हूँ अगर आज के दिन जब हमसे आप बात कर रहे हैं, एक किसान जो अपना मंडी में इंतज़ार कर रहा था कि उसको पैसा मिल जाएगा, किसान की जान चली गई। और अगर हम पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखें तो सबसे ज़्यादा किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार और आत्महत्या कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश में ही, महाराष्ट्र के बाद। किसानों का मुद्दा हम कोशिश होगी और हम जगाना चाहेंगे कि जहाँ समाजवादियों ने बेहतर काम करके उत्तर प्रदेश में दिखाया था, किसान का कर्ज माफ़ हो, किसान की खुशहाली के लिए उनको सही कीमत मिले, मंडी का इंतज़ाम बेहतर हो।